उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और सबसे अधिक इस गर्मी के प्रभाव में अगर कोई असर है उत्तर प्रदेश का तो वो है प्रयागराज। प्रयागराज में कई दशकों का इस बार तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ा है। दिन हो या रात, तापमान में कोई कमी नहीं आई, लगातार कई हफ्तों तक तापमान में वृद्धि होती रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समुद्रीय एवं वातावरण विज्ञान केंद्र में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर शैलेंद्र राय साहब। और प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये जो टेम्परेचर में प्रयागराज में वेरिएशन आया है, इतना ज़्यादा हाइक आया, उसकी वजह क्या है? जो भी टेम्परेचर में चेंजेज इस समय आ रहे हैं, जो हाई टेम्परेचर बहुत बना हुआ है लंबे समय तक, वो उसका मेजर जो एक बड़ा कारण है वो है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज चूंकि पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल फिनोमेना एक है, उसमें जो एवरेज टेम्परेचर जो पूरे ग्लोब का बढ़ने की बात है वो 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की बात है, लेकिन इसका लोकलाइज्ड इफेक्ट भी है। जैसे किसी किसी रीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर रहा है, कहीं कहीं पे थोड़ा उसका इम्पैक्ट कम है। तो इस समय जो इस बार जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ क्लाइमेट चेंज का जो दिख रहा है वो यूपी और बिहार का पूरा बेल्ट जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर रहा वहाँ पे, और इस बार तो करीब जून में करीब 15 दिनों से लगातार टेम्परेचर 46-47 के अराउंड पूरे रीजन में बना रहा। तो इसका जो मेजर कारण है वो क्लाइमेट चेंज है। प्रयागराज इससे सबसे ज़्यादा क्यों प्रभावित हुआ है? प्रयागराज तो प्रभावित हुआ ही है। प्रयागराज में तीनों तरफ से पानी है, यहाँ पर तीनों तरफ के पानी के होने के साथ साथ वहाँ पे रेत भी है, रेत भी बना हुआ है। जी जी। हालांकि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो मेंटेन रहता है, लेकिन जो एक्सेसिव यूज हम लोग कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग का, और जो ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, प्लस जो आपके हाईवे बन रहे हैं उसमें बड़े बड़े पेड़ों को काट करके छोटे छोटे पेड़ लगाए जा रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट है। और ये प्रयागराज में ही जो हाई टेम्परेचर है वो प्रयागराज में ही नहीं है, साथ साथ में उसके अलग अलग जो यूपी के अलग अलग ज़िले हैं वहाँ भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, 48.6 के आसपास प्रयागराज का टेम्परेचर इस बार गया है, ये दिन में था, लेकिन रात में तो इससे भी ज़्यादा विकट स्थिति हो गई है। 127 साल बाद बता रहे हैं कि ऐसा समय आया है जबकि रात के टेम्परेचर में भी लू का तापमान देखने को मिला, इसकी क्या वजह देखते हैं सर? इसका वजह यह है कि इस बार जो दिन का टेम्परेचर जो एक्सेसिव हीटिंग रहा वो करीब 10 से 15 दिन तक लगातार हाई टेम्परेचर दिन में बना रहा। तो जब दिन में टेम्परेचर हाई बना रहा और रात में कूलिंग होता है, मतलब वातावरण जो है थोड़ा सा कूल होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक जब हीटिंग दिन में बना रहा तो उसका इम्पैक्ट रात में नहीं हो पाया, तो रात में भी टेम्परेचर हाई बना रहा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से रात का भी टेम्परेचर लगातार हाई बना रहा। डॉक्टर साहब, हम अपने दर्शकों से ये भी जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी ये भी जानना चाहेंगे कि जो सामान्य तापमान है वो क्या होता है और किस तरीके से टेम्परेचर का आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं कि ये सामान्य तापमान से इतने गुना ज़्यादा इस समय तापमान है या इतना ज़्यादा है, ये कैसे आप मॉनिटर करते हैं? जैसे सामान्य तापमान हम लोग जो मेज़र करते हैं वो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 साल का डेटा सेट है हमारे पास, तो 100 साल का एवरेज लेते हैं। एवरेज लेने पे हर एक स्टेट का, हर एक ज़िले का तापमान हमको पता चल पाता है कि इस दिन पे इतना टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं सामान्य तापमान। लेकिन अगर किसी साल में उस सामान्य तापमान से टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे इस समय जो सामान्य तापमान होना चाहिए वो करीब 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में होना चाहिए, लेकिन अभी जो सामान्य तापमान जो इस समय तापमान आ रहा है वो 48-40 के ऊपर आ रहा है, तो करीब 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है दिन का। उसी तरह रात का भी टेम्परेचर भी करीब 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा आ रहा है। डॉक्टर साहब, टेम्परेचर हाई की बात करें तो ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, मुझे लगता है कि आम आदमी की हमारी भी है, किस तरीके से हमें भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, आम आदमी को, नागरिक को किस तरीके से सहयोग करना चाहिए कि टेम्परेचर आगे इस तरह उतना हाइक ना हो?
जैसे कि जो जो भी हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को करने वाले कारक हैं, जैसे कि व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, जो एयर कंडीशनिंग का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, प्लस जो हाईवेज बन रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो पेड़ कट रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया जा रहा है और छोटे पेड़ों को लगाया जा रहा है, तो हम लोग की ये जिम्मेदारी बनती है तो उसको हम लोग कैसे कोप अप करें। तो एक तो ये है कि एयर कंडीशनिंग जो हम लोग यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें, कम से कम इन द सेंस कि अगर घर में 3 या 4 एयर कंडीशनिंग है तो सबको एट ए टाइम ना यूज़ करें, एक या दो ही यूज़ करें, उसमें सब लोग एकोमोडेट हों। दूसरा ये है कि हम लोग ऑफिस जब जाएं, जैसे मान लीजिए किसी एक जगह से 4 या 5 लोग किसी एक अपार्टमेंट से या बिल्डिंग से एक ही जगह जाना है, तो हम लोग कार पूलिंग कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए, जिससे कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करें। और जो पेड़ कट रहे हैं तो जो पेड़ लगाए जाएं वो बड़े और छायादार वृक्ष लगाए जाएं, जैसे कि नीम का, बरगद का या पीपल का पेड़, बड़े बड़े पेड़ रोड के किनारे और भी जगहों पे जहां पे लग सकता है वहां पे लगाया जाए। डॉक्टर साहब, आखिरी बात, अब उम्मीद कब है कि मानसून आएगा? आप हमें थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कब तक प्रयागराज में या आसपास के यूपी के इलाकों में राहत की उम्मीद है मानसून को लेकर? सर, अब जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक जो है सैटेलाइट का इमेज है, वो सैटेलाइट जो यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है और ये जो रेड रेड दिख रहा है, ये लाइटनिंग है। लाइटनिंग का मतलब कि यहाँ पे बारिश हो रही है कंटिन्यूअस, तो इस रीजन में, और वाइट वाला जो है बादल को इंडिकेट कर रहा है, तो इस समय यहाँ तक आपको बादल दिख रहे हैं। तो प्रयागराज करीब करीब यहाँ पे है, तो धीरे धीरे बादल अब जो है मूव करेगा आपका यूपी की तरफ, और जो नॉर्मल डेट होता है मानसून का वो 20 जून होता है, तो हमको उम्मीद है कि 20 जून के 20 21 22 जून तक मानसून यूपी में धीरे धीरे प्रवेश करने लगेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो प्रोफेसर शैलेंद्र राय साहब का कहना है कि जिस तरीके से मैन मेड तरीके से हम लोगों ने खुद जो स्थितियां पैदा की हैं, ये बात अलग है कि सरकार की तरफ से डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, पेड़ काटे गए हैं, या फिर जो आबादी का प्रेशर बढ़ा है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको डेवलपमेंट करना होगा, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। सरकार के साथ साथ हमारी समाज की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम उन कारकों का ध्यान रखें जिससे एक्सेसिव टेम्परेचर हो रहा है। राहत की बात यह है कि प्रयागराज व उसके आसपास के इलाकों में आगे आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी कि 20 जून के आसपास तक मॉनसून आ सकता है, ऐसा मौसम विज्ञानियों का कहना है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।